अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने मालेगांव का काढ़ा या काली चाय किस तरह बनाते हैं ये बताऊंगी। जबकि सारी दुनिया कोविड से परेशान है और इसकी अब तक कोई पर्टिकुलर वैक्सीन तैयार नहीं हुई, लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला ने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की है जिसकी दवा ना हो, लेकिन हमारी अकलें नाकिस हैं ढूंढने में समझने में। ये मालेगांव का मंसूरा मेडिकल कॉलेज ने यह काढ़ा दरियाफ्त किया है जो बहुत से मरीजों के लिए मुफीद साबित हुआ है। सोशल मीडिया में इसकी धूम है और कहा जा रहा है मालेगांव आज जीरो कोविड पेशेंट्स का गांव है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको इस्तेमाल करें और करवाएं। दोस्तों, इसका फार्मूला सोशल मीडिया पर आम हो चुका है। मैं इसकी रेसिपी कैसे बनाएंगे ये बताने के लिए जा रही हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने वेट करके ही ली हूँ। इसको बनाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब जारिया समझकर खूब शेयर करें। अगर इससे एक किसी को भी फायदा हो जाए तो हमें भी इसका अजर सवाब जरूर मिलेगा, और दुआ है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और सेहत व आफियत से नवाजे। तो देर किए बगैर चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चार लौंग है, पाँच काली मिर्चे हैं, इलायची 4 अदद है, अदरक 10 ग्राम है, गुड़ 60 ग्राम है, दालचीनी है, आम जबान में इसको हम चक्का कहते हैं, ये 10 ग्राम है, एक इलायची है आधा चम्मच ली हूँ, चाय पत्ती 1 चम्मच, हल्दी 2 चुटकी लूंगी और नमक 2 चुटकी लूंगी। दोस्तों, ये काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 लीटर पानी को लेना है। ये 1 लीटर पानी की बोतल है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 1 लीटर पानी हम इस डालेंगे। अब इस पानी को हम एक उबाल आने देंगे, फिर इसमें इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे। दोस्तों, ये काली चाय ये काढ़ा जो है सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये बच्चे बूढ़े जवान घर में सेहतमंद सब लोग इस्तेमाल करें। माहौल ऐसा है कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो हमें इसकी रोकथाम भी करना है। दुआ के साथ साथ दवा चलती रहे, इसलिए हर कोई अपने घर में ये काढ़ा तैयार करके रख ले और बच्चों को बड़ों को सबको ये काढ़ा दिन में चाय की तरह देते जाएं। काढ़े को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, पानी भी इसका रिड्यूस हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक बोतल में छान कर रख लेंगे। अब ये काढ़ा बनकर तैयार है दोस्तों, इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें, दुआ करें और ये काढ़ा भी इस्तेमाल करें, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली बार इंशाअल्लाह।